अस्सलाम वालेकुम मैं नदीम एंड सन्स। आज हमारा टॉपिक है जी मुर्गियाँ, जो कि मुर्गी जैसा कि आज सर्दियाँ आ रही हैं तो हमारे अंडों के लिए खपत हमारी अहम हो जाती है, तो उसके लिए हम मुर्गियों का एक है क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए हम ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कैसे पैदा कर सकते हैं, तो उसके मुतलिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें सबसे पहले आपने लेने हैं अपना जो देसी मुर्गी, जो कि हमारी हम लोकल मुर्गी है जो कि पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल होती है, उसकी आपने दो फीमेल्स ले लेनी है। वो इसकी जगह आप इस ब्रीड का एक मेल भी ले सकते हैं जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपने गोल्डन पफ फैंसी हैंस होती हैं, साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं, वो आपको मार्केट से मिल जाएंगी किसी भी लोकल, उसकी दो फीमेल्स आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। गोल्डन पफ हैंस होती हैं, गोल्डन पफ कुचीन काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं, उनके पैरों पर भी होते हैं, तो वो मुर्गी आपने दो मुर्गियाँ ले लेनी हैं। और देसी जो आपकी नस्ल है उसका एक मुर्गा चाहिए होगा आपको। इस ब्रीड की जो आप क्रॉस करेंगे तो उसमें से एग्स निकलेंगे, उनके आपने चिक्स निकलवाने हैं। जो चिक्स निकल आएंगे उनको जब आप तैयार करेंगे तो वो जब तैयार हो जाएंगे और लेइंग के एबल हो जाएंगे तो आप उनमें काफ़ी एक पोटेंशियल देखेंगे, जो कि काफ़ी एक एबिलिटी होगी कि वो ज़्यादा अंडे दे रहे होंगे, कम खुराक लेके भी ज़्यादा अंडे दे रहे होंगे। आपको ये ब्रीड्स तस्वीरें नज़र आ रही होंगी उन हेंस की जो कि हाइब्रिड हैं, यानी क्रॉस से पैदा की गई हैं, अपना देसी हेंस और गोल्डन पफ के क्रॉस से जो पैदा की गई हैं, और ये लेइंग के लिए ही बनाई गई हैं और ये ज़्यादा एग्स लेयर्स पैदा करती हैं। यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।